यहाँ पे हमारे पास है मीवी रोम और लॉगिटेक X54 कंपैरिजन। सो गाइस विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये दोनों स्पीकर्स आते हैं 1000 to 1500 रुपीज़ की प्राइस रेंज में। सो गाइस देखते हैं कौन सा स्पीकर बेस्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स चेक आउट स्पेसिफिकेशंस ऑफ बोथ द स्पीकर्स। तो एज यू कैन सी यहाँ पे पानी डालने के बाद भी स्पीकर बहुत अच्छी तरीके से वर्क कर रहा था। यहाँ पे स्पीकर को कुछ नहीं हुआ है और क्वालिटी ऑफ साउंड इज रियली वेरी गुड। तो अब शुरू होता है असली टेस्ट। यहाँ पे देखता है कौन सा स्पीकर जो है वो जीतता है। I wanna know your secrets. I wanna be your lifeline. So I wait for you, wait for me. Wait for you, wait for me. Tell me you're more than just a highlight. Pretty pictures on the outside. I hate to stare at you through these lights. So I wait for you, wait for me. Wait for you, wait for me. Click and scroll, I can't let you go. They say I'm addicted to you. Click and scroll, I can't let you go. They say I'm addicted to you. Oh, oh, this ain't love, no, no, this ain't love, no. तो अगर दोनों स्पीकर्स की बात करें तो दोनों स्पीकर्स बहुत अच्छे हैं, पर यहाँ पे मीवी में जो देखने को मिल जाता है, अगर फुल साउंड पे आप सॉन्ग जो है प्ले करते हो फिर भी साउंड जो है वो फटता नहीं है, पर अगर लॉगिटेक में आप 90 के ऊपर वॉल्यूम लेके जाओगे तो यहाँ पे जो साउंड है वो फटने लगता है। तो ऑफकोर्स मैंने लॉगिटेक के स्पीकर के साथ जो वाटर टेस्ट था वो नहीं किया, बिकॉज दिस इज़ नॉट एंड वाटर रेजिस्टेंट ब्लूटूथ स्पीकर। और मीवी ने बताया था IP67 की रेटिंग के साथ ये ब्लूटूथ स्पीकर जो है वो वाटर रेजिस्टेंट है, इसलिए मैंने इसका टेस्ट किया। तो ऑफकोर्स यहाँ पे जीत चुका है मीवी रोम ब्लूटूथ स्पीकर।